Hey, what's up people, welcome back to my channel. Guys, इस वीडियो में मैं अपना लैपटॉप को अपग्रेड करने वाला हूँ एंड उसमें मैंने कैटी ऑर्डर करी है, एक मैंने SSD ऑर्डर करी है. मैं आपको दिखाता हूँ आइटम्स, ठीक है. ज़्यादा थ्री थिंग्स विच आई हैव ऑर्डर. SSD ऑर्डर करी थी 250 GB की, Amazon टूल बॉक्स ऑर्डर करा था छोटा वाला लैपटॉप के नट्स वगैरह खोलने के लिए. इट कॉस्टेड मी अराउंड 200 rupees. और ये फिर मैंने कैटी ऑर्डर करी है एंड येस डेफिनेटली दिस इज़ माई लैपटॉप, ठीक है. इसको मैं अपग्रेड करूँगा, सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है. डिस्क अलग कर लिए इसमें से निकाल कर, ठीक है. अब इसको लगाते हैं, SSD चेंज करते हैं. अभी यहाँ पर SSD लगाऊंगा मैं, एक कैटी की जगह यहाँ पर मैं कैटी लगाऊंगा जिसमें हार्ड डिस्क लगाऊंगा. ये SSD है जो मैंने बाय करी है अमेज़ॉन से. ये गाइस मैंने SSD लगा दी है, ठीक है. इसके ब्रैकेट्स लगा के साइड की SSD टाइट कर दिया मैंने इस पोर्ट पे. यहाँ पर अभी इसको ये वाले पोर्ट आएगा, इनके ये वाले पोर्ट और रह गए, इसको टाइट करना है. एक ही पोर्ट है, एक ही पोर्ट है. कैटी में ये वाला हुक जो देख रहे हो ना, ये निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप ये वाला हुक नहीं निकालोगे तो फिर ये कैटी अंदर इसमें फंसेगी नहीं. सो दिस हुक और दिस लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. से बूट हो रहा है क्योंकि मैंने CD-ROM की जगह पर लगाई है. मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ मेरी हार्ड डिस्क लगी हुई है इस जगह. सो गाइस आप देख रहे हो ये वाला पार्टीशन जो आया है ये SSD का है, बाकी ये मेरी हार्ड डिस्क है जो डिस्क वन में दिखा रहा है और डेटा स्टोरेज. और ये यहाँ पर मैं इसमें अपना विंडोज डाल दूंगा. तो आई एम जस्ट क्रिएटिंग वन पार्टीशन. This window C to this drive and that will be done with the help of one software. Thank you.